मैं आगे आगे पीछे पीछे से गाड़ी आ रही। गौरव जय कौन के? देख रहे हो आप इसकी शक्ल, इससे मिलती जुलती है ना। गुड मॉर्निंग। गौरव तू कल रात को तुमको बंदा की याद क्यों आ रही थी बता पहले। मुझे याद आ रही थी क्योंकि आ रही है रास्ते में, देख रहा हूँ वरना वरना इसने देखा होगा कि वो उसकी ट्रेन छूट गई क्या। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे आज के न्यू ब्लॉग पर। और आप सबको हमारा नमस्कार प्रणाम पहला। कैसे आप सब लोग, सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही 5 बजे और इनकी कड़कड़ाहट के साथ। बब्बू उठो, चलो बब्बू जल्दी उठो, चलो बब्बू चलो उठो, काम करो भैया, चलो नहाएगा कौन, जल्दी उठो, चलो चाय। मैं इनसे कह रही हूँ, उससे कह रहे उठ करके अभी, चलो उठो। क्या हुआ? हेलो, जल्दबाजी के चक्कर में ब्लॉग बनाना हो नहीं पाया। हम लोग जा रहे हैं अभी निजामुद्दीन स्टेशन, वहाँ पे आ रहे बच्चे, मानिया और बच्चे लोग आ रहे हैं। तो पापा भैया लोग तो सब भाग के फटाफट से, मैंने कहा मैडम जाते नहीं जाते, रुक गए थे, चलो मैंने कहा चलो ठीक है मिलना हो जाएगा, तो अब सीधे चलते हैं वहाँ पे उनसे मिलते हैं। कैसे घूम रहे है? दुर्गा माता का शेर जैसा, वो मैं कह रही दुर्गा माता का शेर जैसा लग रहा है। चले अब हम जाएंगे निजामुद्दीन, गौरव आ रहा अपनी कार लेके वहां से, तब तक हम यहाँ पे रुके हुए हैं, बस मिल के आते हैं बच्चों से भी और फिर आपको भी मिलाते हैं। हेलो तो बोला नहीं बब्बू आपने, कैसा ये हेलो हाँ मैं आगे आगे पीछे पीछे से गाड़ी आ रही। गौरव सनराइज यार, मिलने तो सूरज उगना बंद होना एक जैसा ही लग रहा। तो हम पहुंच चुके हैं निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन कह रही थी, मेट्रो स्टेशन की आदत इतनी हो गई है। हम यहीं आएंगे कहाँ आएंगे पता नहीं। पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी दे रही गौरव ने यहाँ पे, मैंने कहा पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी तो नहीं, तो ज़्यादा वो आगे हटाता थोड़ा अंदर को डाल, तभी देख रहे थे आपको ये तब से निखार रही है, कह रही अच्छा ले लेवल कह रही अच्छा ले लेवल, सस्ते वाले पाले जी कौन खाता है, कह रहा नहीं है मेरे पास, वो दे रहे खा के नहीं रहे, वो भाव खा रहे हो ज्यादा जा जाने तो अपने पास ही रख लो, किसी और को दे दे रहा तभी भाव बढ़ गए इनके भी है। तो हम वेट कर रहे हैं अभी यहाँ पे मान गया उनका बच्चों का, कोई नहीं खा रहे सबको लग गया है वो इंतजार खत्म हुआ, बाल गोपाल आ गए वो देखो एक आ रही आगे से, कैसा मुंह बना रही है उसने, हमें देखा नहीं है अभी। हाँ उसकी नजर हम पे नहीं गई है अभी, ले हमारा व्लॉग बनाना, पहले आने दो उनको। हेलो हेलो कौन है, जय कौन के? इसको नहीं पहचान नहीं दीदी, वीडियो हाँ पापा बुआ को दिखा तो सही भाई।
चल मेसन चलेगी डैली बुआ के यहाँ चला ठीक है बताओ चलोगे ना मेरे साथ मिशू बुआ पास जाना है बेटा आप मेरे पास दादू के पास जाऊंगी चल चलो हमारे साथ चलना है आपने उसके गुंडे के नगर रुक रुक उसको मत कर रहा है ये देखो रोरी पापा पानी ले लेना ले तो करना ओ चलो आ इधर आओ पापा पास ए तो कौन पापा बोल गौर पहचान नहीं रही तेरे को क्या कुत्ता देख रही हूँ गोदी गोदी पापा गोदी अरे आ जाओ जल्दी इधर आओ पापा गोदी ना चेतू अब मेरे साथ चलोगी बुआ के साथ ही चलेगी चलना फिर चले जाना ठीक है बाद में चले जाना हाँ चल फिर छोड़ चल बुई को किसी को जल्दी अच्छे से कर अच्छे से चलो फिर बाय अनिमा ये इसकी इयररिंग तो बड़े प्यारे लग रहे हैं कान में चिदा है हां हां में चिदा है कोने में चिदा कान में वाले पेड़ फूल वाले जय जे इतना बड़ा कितना बड़ा कितना बड़ा इतना बड़ा बस अभी इतना कर दिया बहुत है अभी चले फिर चलो चलो खुश रहो जय जी कहाँ को निकलेंगे यहाँ से आप यहीं से जहाँ से आए थे वहीं से बाहर को सीधे जहाँ से मुड़े थे वहीं से सीधे निकलेंगे हम तो यहाँ से भी है यहाँ क्यों जाने की जरूरत है ये जो ब्रिज है ना ब्रिज से सीधे राइट मारेंगे आपको चले जाएंगे अक्षर धाम को गाड़ी इधर को डालो फिर इधर से डालो इधर से ज्यादा लंबा है क्या यहीं से सीधे बाहर को राइट साइड में चलो हाँ सीधे ही हो हाँ सीधा हाईवे को ही हो चलो बाय बाय बात कर कॉल करना घर जाके ठीक है क्या क्या तू दादू को ले जाना है दादू को ले जाना दादू को तो नहीं रखती हूँ मैं आपके आज ठीक है दिखाओ थोड़ा बाय 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 चेतू हाँ अभी सही चल रहा बाय बाय चलो चलो अभी वो भी है ना सफर सफर से हाथ जोड़ के बैठी हो चलो फिर चलो फिर बैठो आप लोग हाँ गर्मी भी हो गई ना अब गर्मियों के परेशान हो ही जाते हैं बच्चे थोड़ा हाँ चलो चलो बाइक ले आओ फिर यहीं को जाना है ना बब्बू लेकर आते हैं बाइक तब तक और हम इन्हें बैठा देते हैं सामान पीछे रख देते बैग बैठो बैठो आप बैठो पूछती हमने बाकी मेरे बाद में तो इसलिए रुको चलो बैठो बाय अच्छे से खोल लो थोड़ी अभी तो सही है मौसम बाय बाय घूमो घूमो जा रहा नुनु आ रही नुनु चल बाय दीदी हाँ। चल बाय बाय चलो बाय मिसू खुश हो गए घर जाने के नाम पे देखो खुश हो गए रे बुआ लो वापस फिर से तो जी हम पहुंच चुके हैं घर बच्चे लोग चले गए हैं अल्मोड़ा की तरफ पापा भी चले गए हैं और पापा अपने मौजूद ही भूल के चले गए हम कहते हैं रख दिया करके तो चलो अब करते हैं श्राद्ध की तैयारी पंडित जी भी आने वाले तो खाना आधा नितिन ने बना रखा आधा बनना है तो वो बनाते हैं बाकी आगे है सब बुला दी और यहाँ हमारी तैयारी चल रही श्राद्ध के खाने की तो क्या क्या बन रहा है ये हैं बड़े देख रहे हो आप इसकी शक्ल इससे मिलती जुलती है ना दिखा तो मैं अपनी शक्ल
दिखा मैंने जो चीटी ने काट दिया कि मैं जिद्दी कर रही हूँ नहीं चीटियां कहाँ सारी है इतनी बहुत काटेगा मेरे को तो कल यहाँ अनाउंस में ऐसा काट रखे ना समझ में नहीं आता कि वैसे दाने हो रहे कैसे दाने हो रहे करके और यहाँ देखो चश्मा बना दिया इसने यहाँ मेरे चश्मा टूट जाते तुम ऐसे बना दो कि इससे चश्मा तो उधर बन रही है हमारी खीर इतनी मुश्किल से बना रही हूँ पता है तो मैं जानती हूँ यहाँ ड्राई फ्रूट्स है खीर बन रही है हल्की हल्की आंच में उबल रही है इसमें अगर बनती तो वो क्या कहते हैं खोया मजा आया था मजा क्या क्या बन चुका है क्या क्या बनाना बाकी है आप पिलाओ ऑलमोस्ट सभी बन चुका है बस पूरियां बनानी बाकी है अब हमको और यहाँ तैयारियां हो रही हैं इसका बाल को मत देखिए इसको बेचना है जब बेचते हैं पता नहीं बाकी हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है पसीना दिख रहा है गर्म कितना हो रहा है दिल्ली में वैसे ही बहुत गर्म होने लग गया है और मेरे बड़े और बहुत ही अच्छे बाप है तो गुरु जी यहाँ पे आ चुके अब श्राद्ध का विधि विधान से स्टार्टिंग कर रहे हैं फिर मिलते हैं आपसे बाहर तो चल रहा है श्राद्ध बट गर्मी भी बहुत हो रही है मुझसे बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा है बहुत देर तक बैठी 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 और हिम्मत नहीं आ रही है निकल लेट जाती हूँ थोड़ी देर लेकिन से बोला कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मेरे को बुला लेना आवाज दे देना क्योंकि मुझे पेन सा हो रहा था इसलिए मंदिर को आ गई नींद से आ रही बहुत ज़्यादा तो जी यहाँ पे अभी श्राद्ध का काम सारा हो चुका है क्या बोलते समाप्त तो श्राद्ध की जो विधि भी थी वो सब चीज हो गई है पूरी यहाँ पे और अब करते हैं पेट पूजा ये देखो इनको थाली में निकाल लो खा लो आराम से कहाँ को रही इतनी दौड़ भाग फिर खाना ना खा के फिर आराम से सो जाना तो बर्तन हिलाते धुलाते रहेंगे तो उठ पर मच जाते रहेंगे तो अब करते हैं खाने आने की तैयारी बाबा फिर ले गए थकान आ गई फिर निकले पापा उनको फेंटे ही करने क्या फेंटा नहीं वो मरिंडा देखने गए थे उनको मरिंडा नहीं मिलता पापा फेंटा ले आ जाएंगे मैं तो वही हाँ दोनों बाप बेटी की गेम थी फिर बाप बेटी हम पसंद तो होगी ना हा 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 चलो यार भोजन ग्रहण करते बहुत टाइम हो गया अब गुड मॉर्निंग सुबह के सोए हुए हम लोग सुबह कितने बजे सोए थे मैंने 12 बजे 12-1 बजे सोए थे अभी उठ रहे हैं हम सीधे 5 बजे मैं तो रात में सोया नहीं था इसलिए मेरे को बहुत खतरनाक नहीं लगी लेकिन मनो तो अभी पीते चाय वाय पीते क्योंकि मेरा इंतजार कर रहे हैं बहुत सारे बर्तन करोड़ों बर्तन लगा रखे हैं जो आज उधर भाई साहब पूरा किचन बिखरा पड़ा है ऐसी हालत हो रखी अभी इतने सारे बर्तन धोने पूरी सफाई करनी किचन की पार्टी लगने वाली है आज तो ओह तो मेरे सारे बर्तन धुल चुके हैं अभी और अब हम जाते हैं बाहर को बाहर का मौसम कुछ गड़गड़ाने वाला लग रहा है पापा की बात सुन चोगी कौन सी पापा ने कल मम्मी से बोला था मजाक में कि मैं नहीं आ रहा हूँ यहाँ दिल्ली में खतरनाक मौसम हो रहा था उन्होंने अच्छा सर दर्दी है तो मेरे मौत को छू के टक से वापस आ सकता हाँ पंडित जी कहते हैं आज जो पंडित जी आए थे उन्होंने जरा मतलब बहुत चीजें ऐसी डिटेल्स में बताई है उन्होंने बोला ना सोने की अंगूठी पहननी चाहिए मतलब शादी के बाद सुधी रहती शरीर सुधी नहीं सुधी थी शरीर को और शुद्ध को जोड़ दिया सुरीदी हो गया तो शुद्ध तो नहीं होता मतलब कहते हैं कि पॉजिटिव वाइब जाती है जब तुम खाना खाते हो सोने की अंगूठी पहन के मतलब अगर टच होता तो खाना हाँ। तो फिर आप पहनते कहाँ आपके तो नखरे इतने होते हैं वो कह रहे दहेज में नहीं मिली तुमको सोने की अंगूठी मैं कहा मिली है लेकिन पहनता नहीं मैं कहा पहना करो सोना अच्छा होता है शरीर के लिए क्यों किसी ने उंगली काट के ले जाए मेरे को ये डर रहता है वैसे दिल्ली में कम किराए में करके चलो सो जाते हैं रब सो जाते हैं इतना फिट हो गया ना कसम से बता रही हूँ गुस्सा में दिलाओ तब से मैं लेटी हूँ तब से आपने क्या कर रखा चार दीवार के कमरे में घुसी पड़ी हो बोर नहीं हो रही घुटन नहीं हो रही खाना ठिकाना कह रहे हो जो उतनी मुश्किल से उठ के
पूजा उजा करके तैयार हो रही हूँ, काम हो रहा है। मजा आ रहा है तुम कैसे चिढ़ाने में। तो अभी हम जाते हैं गोलगप्पे खाने। खाओगी तुम गोलगप्पे? तुमको तो मना करेगा डॉक्टर ने गोलगप्पे खाने। मैं खाऊंगा, तुम मेरे को देखना। मैं नहीं आ रही फिर। तुम मेरे अच्छे से देखना कैसे खाते गोलगप्पे। हेलो उत्तम जी, हम आ चुके हैं घूम घाम के, सारे काम घर के ऐसे ही छोड़ छाड़ के। तो चलिए, आज बहुत थकान भरा दिन रहा, सुबह से ही भाग दौड़ रही, सैटरडे फुल डे वर्कहॉलिक डे रहा हमारा आज का। तो चलिए आज के ब्लॉग को करते ही पे समाप्त, मिलते हैं आपसे आने वाले कल के नेक्स्ट ब्लॉग पे। सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग पे। जय माता दी, टेक केयर।